ये देखिए पूरा नजारा है, ये सेंटर है, लेकिन सहजन यहाँ आप बता रहे थे ये पूरा खड्डा हो गया नीचे। हाँ, क्या क्या है इसमें? खदान हो गई ना, खदान हो गई। हाँ, इसमें से पत्थर निकाला होगा कि हाँ, बाद में लोगों ने बाद में काट लिया, पत्थर निकाल लिया। हाँ, वो पूरी दीवार देखो किनारे पे पूरा काट दिया। ये दीवार डांडी क्या बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ इसको। हाँ, ये दीवार डांडी बोलते हैं, लेकिन आपने गुजराती में उसको कंडलिया कोठा बोलते हैं। हाँ, कंडलिया कोठा गुजराती में बोलते हैं, गुजराती में कंडलियो कोठो कहवाया। हाँ, तो ये दीवार डांडी है, ये सबसे ऊपर होती है, ये वार्निंग करती है ना सजन, जो कुछ होता है समुद्र के अंदर, तो ये बताती है सबसे पहले। जहाज को वो सिग्नल भेजती है। हाँ, जहाज को सिग्नल भेजती है। आप भी बहुत जानकार है लेकिन बोलते नहीं है। आप बोलते हैं ना, अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा लगता है लेकिन कभी कभी बोलना चाहिए तो मेरे को भी थोड़ा अच्छा लगेगा ना। आपको क्यों अच्छा लगता है मैं बोलूँ तो? आप बोलो तो मेरे को भी अच्छा लगेगा। वो तो सही बात है, लेकिन अभी यहाँ क्या क्या कर सकता हूँ। हाँ, सही है वो बात, लेकिन थोड़ा दिखा के बोलने का अच्छा रहेगा ना आपको। हाँ, सही बात है। देखिए ये ऊपर तरफ जाता है, यहाँ एक चर्च है सजन। हाँ, ये लोग जो वो टाइम में यहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं। हाँ, 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 वो चर्च मेरे को ऐसा लगता है वॉल है। हाँ, हाँ, और सामने क्रॉस का निशान है। ओके, देखिए सजन ये हथियार डेपो लगता है मेरे को। हाँ, ये पूरा ऐसा ही लगता है। देखो ये पूरा अंदर पूरा खुला है, और ये जो सामने थोड़ा बहुत निशानियां है ऐसी। हाँ, हाँ, और ये गेट बना हुआ है, फिर यहाँ से देख सामने तो तोपे वोपे सब पड़ी है। हाँ, लेकिन ये मेरे को ऐसा लगता है कि हथियार रखने के लिए। हाँ, जो हथियार का डेपो बोलते हैं इसको। हाँ, यही है। और यहाँ सामने देख ऐसा है जो निशान। हाँ, बाहर से जो बंदूक का होते हैं। हाँ, 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 तो ये भी किला होगा लड़ने के लिए ऐसा कुछ। लेकिन बहुत पौराणिक है और बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ है। देख इसका राउंड है, वो टाइम में कैसे बनाया होगा, ऐसा कलाकारी होगा ना। हाँ, सही बात है। दिखाओ फिर इस तरफ, ये जो ओपन है इसमें सब तोपे वगैरह पड़ी है ना। ये देख ये क्या मेटल है, इसको अभी तो जंग खा गई है पूरी, लेकिन ये तोपे हैं पूरी चारों ओर रखी है। ये तो सही मेरे लगता है बाद में रखी होगी। हाँ, सही बात है। देखिए ये चारों तरफ लगी हुई है। इसमें आप बोलते हैं टायर होते हैं ऐसा, टायर से चलते हैं ये? हाँ, पहले टायर लगा हुआ। हाँ हाँ, होगा ना मेरे ख्याल से। लेकिन क्या बनाया हुआ है, क्या मेटल है ये। 1500-1600 साल पहले का ये हथियार है, जो तोप गोला कहते हैं। लेकिन यहाँ से ये मार करती होगी शायद बाहर किधर? नहीं, अभी तो रखी है इधर। ये तो प्रदर्शन में रखी होगी। हाँ, 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 पहले तो ये बाहर लेके हाँ, जाते हैं बाहर वो लड़ाई के टाइम। हाँ, लड़ाई के टाइम। हाँ, मैदान में। अच्छा, ये तो फिर उसका हथियार रखने के लिए जगह होगी ना। दिखाइए ये यहाँ 6-7 ऐसी तोपे पड़ी हुई है। ये हम लोग आगे जाते थे तो देखने को मिला। फिर साजन इस तरफ जाएंगे ऊपर, थोड़ा धूप ज्यादा है। हाँ, वो तो रहेगा। वो यहाँ से ये थोड़ा स्टेप डाउन था, ये नीचे था अभी जो साजन दिखा रहे हैं। यहाँ से ऊपर आएंगे, फिर जाएंगे इस तरफ। ओके, देखिए अभी साजन हम लोग ये किले की दक्षिणी साइड है जो यहाँ पे। हाँ, 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 यहाँ समुन्द्र टकरा रहा है, आवाज आ रही है। हाँ, आवाज आ रही है। ये जो तीनों साइड में घेरा हुआ है ना। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक समुन्द्र है। हाँ, हाँ, फिर थोड़ा किला यहाँ बाकी रह जाएगा। और ये देख यहाँ पे। हाँ, हाँ, ये घोड़ेस्वार। हाँ, दिखाई दे रहा। ये बहुत पुरानी प्रतिमा लगी हुई है। कोई घोड़ेस्वार है, उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन है यहाँ। वहाँ पे लिखा है 810 महीने 1400 साल। आप अभी वहाँ बताए ना कि 1600 साल पहले का कुछ इतिहास था, तो वहाँ इर्द गिर्द घूमता है ये। 1400 साल 1500 साल पहले ऐसा ये किला की मान्यता है। और यहाँ जो ये गेट के अंदर यहाँ से जा सकते हैं अंदर में, देखा अभी या कुछ कॉन्फ्रेंस होती होगी, कुछ व्यूह रचना बनती होगी यहाँ पे। सही बात है। थोड़ा अंदर जाने का आपका मन करा? देखेंगे ना। देखिए ये दिखाएंगे सभी को क्या है। ये देखो, हाँ, ये बड़ा हॉल है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल ही होगा ना। हाँ, कॉन्फ्रेंस हॉल ही होगा। देखिए ये दोनों साइड में पिलर लगाओ, फिर यहाँ देख बीच में लिखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन हमको इसमें कुछ मतलब मालूम नहीं होता है, बहुत पुराना ये लिखा हुआ है। फिर इस दोनों साइड में गेट है, फिर यहाँ देख ये बारियाँ हैं। फिर सामने आप तो जो बोले ना कॉन्फ्रेंस होती होगी, तो सामने देख स्टेज जैसा बना हुआ लगा हुआ है। ये किले का अंदर का भाग है। ये राजा महाराजा वहाँ बैठ के आदेश देते होंगे ना। हाँ, ये वो खिड़की से समुद्र दिखाई देगा। हाँ, ये खिड़की है, यहाँ से समुद्र दिखाई देता है। हाँ, सही बात है। दिखाई नहीं देगा अभी? नहीं देगा। हाँ, लेकिन यहाँ ये आखिरी छोर है। हाँ, ये समुद्र के अंदर है। और यहाँ ही साजन हमको घोड़े की जो प्रतिमा यह एक जगह पे मिली है। हाँ, तो ये उसका मेन होगा ना। मेन होगा, सही बात है।
देखिए ये दोनों खिड़की लगी हुई, यहाँ से नजर होती होगी। ऊपर कितना अच्छा है बनाया, क्या लकड़ी का है पत्थर का है? पत्थर का है, पत्थर का है लेकिन पेंट बनाया हुआ है। दिखाइए आप, देखिए देखो ये ऊपर का नजारा, देखो ये कैसे बनाया हुआ, देखो बोलते हैं ना फ्रंट कैमरा हो गया, ये फ्रंट कैमरा हो गया, अपना मुंह भी नहीं दिखाई देगा, देखो देखिए ये क्या चीज है, कितनी पुरानी है, ये 1400-1500 साल पहले का ये दीव का किला है, फॉन्ट है जो हम लोग अभी सेंटर में है सजन। हाँ सही बात है, अभी यहाँ से फिर आए उस तरफ से आगे जाके फिर ऊपर जाना पड़ेगा और गर्मी भी बहुत है। तो मेरे को अभी ऐसा लगता है गर्मी होने से पहले हम लोग ऊपर जाना चाहिए, फिर निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए आपको तो, मैं बहुत मेरे को ही डर लगता रहता है कि आपको पसीना आता है तो फिर सर दर्द शुरू हो जाते हैं ना। अभी देखिए यहाँ से सामने दिखा सकते हैं आप ऐसा? हाँ दिखा सकता है, रुको हमें आप दिखाता हूँ, देखिए ये है सामने ऊपर जाने का रास्ता, जा रहे हैं बच्चे लोग, देखिए देखो यहाँ से ऊपर टॉप पे जाते हैं जो दीवा डांडी है, वहाँ जाना है हमको, वो टच करना है सभी किले का मन्नत पूरी होती है। सही बात, अभी मन्नत है वो उसको टच करना है दीवा डांडी। सही बात, और ये लोग भी अभी हमारे साथ आगे आगे जा रहे हैं। सही बात है, देखो यहाँ से ऊपर जाना, ये अभी सजन रिनोवेशन हुआ है, पहले ये पहले ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, देखिए ये दीवार कैसी बनाई खूबसूरत, रिनोवेशन करके ये दीवार बनाई हुई है, देखिए पूरी, देखो पूरी वाइट, पूरी वाइट वाइट बना दी है, लेकिन यहाँ से सड़ना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है अंकल, मैं लेके आता हूँ क्योंकि बहुत हिल है ना, हिल है तो थोड़ा मैं नहीं आता यार, थोड़ा नहीं जाता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा ना, क्यों आपको बोलता है, सुबह बोलता था मैं थोड़ा प्रैक्टिस करूंगा, कसरत करूंगा, ये करूंगा, तो बाइक नहीं लेता था पता है, मैं बोला 1 किलोमीटर जाना है, वहाँ 2 किलोमीटर अंदर घूमना है, ऐसे कसरत थोड़ी होगी, कसरत ऐसी होगी ना, ये सब लोग जा रहे हैं ना, आप जाओ ना मैं यहाँ बैठता हूँ, नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अभी बीच में छोड़ के मेरे को चला जाएगा, मेरे को भी आना पड़ेगा, मैं कहीं का भी नहीं रहूंगा, वो तो पता है आपको, डर लगता है कभी गुस्से में होता है, ये जोड़िए विजय जी अभी बहुत थक गया तो क्या करे यार, नहीं अभी तो आदमी कभी कभी थक जाता है और पत्थर के साथ रख के सो जाता है ना, वही बात करता हूँ, आपका तकिया कलाम है, लेकिन मेरे को क्या है कि आप थक जाते हैं तो छोड़ देते हैं शूटिंग, इसलिए मैं थोड़ा आधी भाषा में क्या बोला है, बगा में फोला ही शूटिंग कराऊं, शूटिंग कराऊं क्यों, क्योंकि यस ओके आजा आइए आइए।